भारत सरकार आने वाले दिनों में पाम तेल के आयात पर टैक्स को बढ़ा सकती है। खाद्य तेल उद्योग ने गिरते हुए तिलहन के दामों को समर्थन देने के लिए सरकार से कच्चे पाम तेल यानी CPO और RBG के आयात पर कम से कम 10% का टैक्स लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर काबू रखने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले टैक्स को खत्म किया था। अभी फिलहाल CPO पर 5% का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगता है, जबकि RBG के आयात पर 12% का। पाम ऑयल पर टैक्स बढ़ाने पर क्या असर होगा और क्या अगर सरकार पाम ऑयल पर टैक्स बढ़ाती है तो इसमें पाम ऑयल महंगा हो जाएगा और इसका फायदा तिलहन की खेती करने वाले घरेलू किसानों को वाकई में ही होगा या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि फिर घरेलू तेलों की मांग में एक बार तेजी देखने को मिल सकती है। यानी पाम ऑयल पर टैक्स बढ़ाने के फैसले से उम्मीद की जा रही है कि भारत के किसानों को फायदा होगा। कई चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं और कई चीजों की लागत के चलते उनके दाम में तेजी आ सकती है। वैसे तो पाम ऑयल का इस्तेमाल खाने के तेल की तरह खूब होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई तेलों में ब्लेंडिंग के लिए भी किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाम ऑयल का अपना कोई रंग, खुशबू, स्वाद नहीं होता। ऐसे में वह आसानी से किसी भी तेल के साथ मिलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पाम ऑयल से शैम्पू, नहाने के साबुन, टूथपेस्ट, विटामिन की गोलियां, मेकअप की चीजें भी बनती हैं। चॉकलेट इंडस्ट्री में पाम ऑयल का काफी इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल डीजल में जो जैविक ईंधन या बायोफ्यूल मिलाया जाता है वो भी दरअसल पाम ऑयल ही होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में बहुत सारे घरेलू उत्पादों में पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी कीमतें बढ़ने का इन सभी पर असर दिखाई दे सकता है। अब डिपेंड करेगा कि भारत कितना पाम ऑयल आयात करेगा। मौजूदा समय में भारत अपनी जरूरत का करीब 70% खाद्य तेल मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस और यूक्रेन जैसे देशों से आयात करता है। दिलचस्प है कि इसमें करीब 2/3 हिस्सा तो सिर्फ पाम तेल का ही है। पाम ऑयल के उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 है। इंडोनेशिया के कुल निर्यात का करीब 4.5% से 5% तो पाम ऑयल है। ऐसे में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था में पाम ऑयल का बड़ा योगदान है। भारत जितना भी पाम ऑयल आयात करता है उसका करीब 70% तो सिर्फ इंडोनेशिया से आता है, जबकि बाकी का 30% मलेशिया से। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।